देश का बजट नहीं, ये सरकार बचाओ बजट है। सबसे उसमें ज्यादा बजट तो वो दो राज्यों को मिला जिसकी लाठी के, जिसके कंधे के सहारे में ये सरकार चल रही है। बजट में नेचुरल कैलेमिटीज और धर्म के नाम पे भी पक्षपात किया गया है। क्या पंजाब के जनता, पंजाब के लोग, पंजाब के किसान, पंजाब का इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार को मैटर नहीं करता? जब पानी कम होता है तब तो हमारा पानी चुराना चाहते हैं, जब पानी उनमें ज्यादा हो जाता है तो पंजाब को फ्लड कर देते हैं। सर, मैं तो मांग करूंगी कि इस बजट का नाम बदलना चाहिए, क्योंकि ये देश का बजट नहीं, ये सरकार बचाओ बजट है। जे देश का बजट होता तो फिर देश में 28 राज्य हैं, कितनी सारी यूनियन टेरिटरीज हैं सब मिला के, तो ये तो 37 के करीब हो, लेकिन पूरे बजट में केवल 9 राज्यों का नाम था। और सबसे उसमें ज़्यादा बजट तो वो दो राज्यों को मिला जिसकी लाठी के, जिसके कंधे के सहारे में ये सरकार चल रही है। तो ये देश का बजट नहीं सर, ये सरकार बचाओ बजट था। और सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि बजट में नेचुरल कैलेमिटीज और धर्म के नाम पे भी पक्षपात किया गया है। ये तो मैं पहली बार ही देख रही हूँ। बहुत अच्छी बात कि आपने धार्मिक स्थानों को, बोधगया को, राजगीर को, जहाँ जहाँ आपने दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस श्री दरबार साहब पे, अमृतसर साहब पे रोज 2 लाख लोग नतमस्तक होते हैं, उनको मुफ्त खाना मिलता है, सबसे बड़ा दुनिया भर, देश भर के लोग वहाँ पे जाते हैं, और जहाँ पे सारा दिन सरबत के भले की अरदास होती है, उसका तो आपने नाम तक नहीं लिया। और फिर मैं नेचुरल कैलेमिटीज की बात करूँ तो फ्लड रिलीफ आपने राज्यों को दिया, बहुत अच्छी बात। जैसे मेरे सहयोगी ने मेरे से पहले बोला कि ये जो पानी आता है हिमाचल को आपने दिया पैकेज, तो हिमाचल का पानी पंजाब में आके पंजाब को जब डुबो देता है और तबाही मचाता है तो पंजाब को आप क्यों भूल जाते हैं? जब पानी डैम में भर जाता है तो आप डैम खोल देते हैं और हमारा पंजाब डुबा देते हैं। जब घग्गर रिवर का लेवल ऊपर हो जाता है तो चुप चुप इतने 7 के राज्यों को बचाने के लिए बंद तोड़ देते हैं और हमारे गांव को डुबा देते हैं। तो जब बाढ़ आती है तो उनको आपने दिया पैकेज, में उसका आपको आभार प्रकट करती हूँ, लेकिन हमारे राज्य के साथ क्या दुश्मनी है? क्या पंजाब के जनता, पंजाब के लोग, पंजाब के किसान, पंजाब का इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार को मैटर नहीं करता? और हैरानी की बात सर, जब बाढ़ आती है तो पंजाब सफर करे, जब पानी की कमी हो जाती है तो फिर कांग्रेस हो, आम आदमी हो, भाजपा हो, सारे इकट्ठे होके षड्यंत्र खेले कि एसवाईएल की नहर बनाइए ताकि पंजाब का पानी दूसरे राज्य को जाइए। तो जब पानी कम होता है तब तो हमारा पानी चुराना चाहते हैं, जब पानी उनमें ज्यादा हो जाता है तो पंजाब को फ्लड कर देते हैं। और सर, आपको मैं ये भी बताना चाहती हूँ, तकरीबन 70 साल पहले इस सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने रिपेरियन प्रिंसिपल्स के खिलाफ हमारा पानी राजस्थान को दे दिया और कहते थे 1 साल में उस पानी का कॉस्ट क्या होगा आपको डिसाइड करके मिले। 70 साल से आज तक डिसीजन नहीं हुए। तो जो पानी हमारा दूसरे राज्य को रिपेरियन प्रिंसिपल के अगेंस्ट जा रहा है, या उसको बंद किया जाए या हमें उसका पैसा दिया जाए, ये मैं आपसे आज मांग करती हूँ।